नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो से पहले हमारे कुछ ऐसे वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों से थोड़ी बातचीत करी है और आपके व्यूज़ जानने की कोशिश करी है और मैंने कुछ अपने व्यूज़ देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको वैसे वीडियोज़ देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो सीरीज़ के 3 वीडियो डाले हैं जिसमें पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि आपको कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, और बाकी के 2 वीडियोज़ में मैंने वो बताया था आपको कि आपको, क्योंकि सबको ये पता होता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम को पढ़ना स्टार्ट करना है तो वहाँ कैसे करना है आपको, कि आप किस जगह से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, तो ये सब बात करी थी हमने। लेकिन अभी टॉपिक से ना भटकते हुए हम सीधे बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की। ये जो वीडियो है हमारा, ये कई सारे पार्ट्स में आएगा, तो मेरे करीब 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ होंगे। अगर आपको नहीं पता तो इतने की मैं डालता हूँ और इसमें बना के मैं डालता हूँ वीडियो, तो आप इस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। तो एक बार चैप्टर एट ए ग्लांस में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें से। तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हैं हमारी क्या, सबसे पहले हमारे में निकल के आती है वर्क। वर्क क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो काम हिंदी में, लेकिन ये बहुत काम डिफरेंट है उससे। मैं काम मतलब कोई भी मैंने काम किया, जैसे मैं बोलता हूँ आज मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ मैं अपना, लेकिन क्या फिजिक्स की भाषा में जो आप काम कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कह रहा भाई मैं काम कर रहा हूँ बाद में फ़ोन करूँगा, तो जो मैंने काम बोला एक्चुअली क्या वो फिजिक्स की लैंग्वेज में काम है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है क्या कि आप पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की क्या बातें हो रही हैं वो बताइए आप, सबसे पहले फोर्स को क्लियर करिए। फोर्स के बाद आपको एक चीज़ और पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप 80 किलो का ब्लॉक लेके एक जगह खड़े हैं तो आप उसके लिए फिजिक्स की नज़रों में आप काम नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क भी 0 हो जाएगा। बेसिकली वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो F(S) होता है। S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, ये याद रखेंगे आप। और F हमारा फोर्स होता है जिसका न्यूटन में लेते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर लिया जाता है। बेसिकली बात यह कहने की, अगर आप 80 किलो का ब्लॉक लेके 1 साल तक भी एक जगह खड़े रहेंगे और आप चाहे वहाँ पे मर जाएं, लेकिन वहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वो उसे वर्क कंसीडर नहीं किया जाएगा, अंटिल एंड अनलेस आप सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ जाएं, बस 1 कदम, या आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएं, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे वर्क के तौर पर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है छोटी सी, आपको समझाने की कोशिश करी मैंने कि वर्क क्या होता है बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में। इसके निकल कर आता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी के यहाँ पर 3-2 टाइप बता दिए गए हैं, जो तीसरा टाइप है बेसिकली इन दोनों का सम्मिशन ही है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। मैं इसका एग्जांपल आपको एक उससे देता हूँ, डैम से देता हूँ मैं आपको। आपने सबने डैम तो देखा ही होगा, अगर देखा नहीं होगा रियल में तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा। तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके हमने रख दिया पानी को, और जब भी चाहिए होता है हम निकाल लेते हैं उससे। तो वहाँ पर हम करते क्या हैं, जब भी मान लो हमने पानी के लिए गेट खोल दिए, उसके बाद पानी निकलना चालू हुआ, तो पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि वहाँ पर मोशन हो रहा है, mv² लग रहा है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो मोशन के कारण जो भी एनर्जी आती है बॉडी के अंदर वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक का मतलब यही है कि आप चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो आपकी स्पीड है, उस वेलोसिटी या उसके कारण जो आपको एनर्जी आपके अंदर है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भाई दूसरे हाथ पर क्या होती है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि आपके अंदर एक तरीके से उस टाइम पर होती है जब आप मोशन नहीं कर रहे होते, आप रेस्ट में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब डैम का पानी खोला नहीं था और जब वो रेस्ट में था तो उस पानी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब मैंने डैम खोल दिया तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है, वो मोशन चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है उस डैम के गेट से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके। और बेसिक यहाँ पर आगे निकल कर आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैं बोलूँगा हर तरह की एनर्जी इसमें काउंट हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर ऊपर वाली दोनों का यहाँ पर प्लस कर दिया गया और इन दोनों का लगा के ये निकाल दिया गया, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ेंगे और पावर देखेंगे। पावर बेसिकली क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, W/T जो होता है ना, और W यहाँ पर F/S होता है।
और आपको अब तोड़ना है उसको, तो आप आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि फोर्स में भी टाइम आता है, उसको कैसे आपको लेके चलना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी उसके रिलेटेड। ये बेसिकली कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक बताता है क्या रिलेशन। अब मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन या इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो होते हैं बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है यहाँ पर, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ये एक शॉर्ट वीडियो था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम अगले वीडियोज़ से एक एक करके टॉपिक में पढ़ना चालू करेंगे। बस मेरा ये मोटिव था आपका ये वीडियो छोटा बनाने का, कि मैं इसमें आपको बता दूँ छोटे एक तौर पर कि बेसिकली हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर आगे तो हमको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पढ़ना ही है और बहुत सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। आप अगर आपको अपने मनपसंद का कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे को आप कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे भी आपको जो भी डाउट हुआ करे तो आप मेरे को सीधे कॉमेंट करके पूछ लिया करिए, या फिर अगर मैं आपको नहीं बता पाऊँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।